आप कैसे एक्सेल में चेंज कर सकते हो, वी डिस्कस दैट. पाई चार्ट हमने डिस्कस नहीं किया, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग एक्सेल, सो आई विल बी डिस्कसिंग पाई चार्ट ऑल्सो विद यू गाइज. एंड आफ्टर दैट आज हमने स्कैटर डायग्राम डिस्कस किया है, दैट इज द अदर पोर्शन ऑफ आर डायग्राम. तो फिर मैं पहले ये डायग्राम्स कवर करके स्कैटर डायग्राम भी कवर करूंगी, सो दैट आपका फर्स्ट यूनिट के जितने भी डायग्रामेटिकल पोर्शन है वो कवर हो जाए. एंड देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट विद फॉर्मूले. अगर आप लोग नहीं थकोगे तो फिर आज मैं फॉर्मूले भी कवर करा दूंगी, जितना मुझे लगता है. आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग डे फॉर योर पीपल, सो अगर थक जाते हो तो मैं डायग्राम्स पे रोक दूंगी. एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल विल डू ऑल दी फॉर्मूलाज टुगेदर, वट एवर यू विल से, बट एटलीस्ट डायग्राम आई वुड लाइक टू कंप्लीट. सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन. सो इज माई स्क्रीन विजिबल? यू नीड टू स्पीक. मैंने रैंडमली नंबर्स लिए हैं, एंड पहले क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाओ, सो अगेन कोविड केसेस लिया है, एंड दीज आर वेरी रैंडम नंबर्स दैट आई हैव टेकन. सो इन दिस केस, इफ ये आपका जो भी डाटा होगा, रॉ डाटा होगा, उसको आप ऐसे ही एक्सेल में, आपके पास कभी कोई इंश्योरेंस या बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप देख रहे हो, सो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पुट योर कर्सर हेयर एंड यू नीड टू क्लिक ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ द माउस एंड देन जस्ट ड्रैग एंड सेलेक्ट दिस थिंग. कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है सिलेक्शन में, किसी भी चीज में, प्लीज उसी टाइम आप अनम्यूट करके बोलो, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी. सो एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऊपर आप टूल बार में देख रहे हो, हमारे पास बहुत ऑप्शंस आते हैं. हम क्योंकि इसके अंदर हमें ग्राफ्स, लाइन, ये सारी चीजें अभी इंसर्ट करनी है, तो आप इस इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का ये पूरा टूल बार ऐसे ओपन हो जाएगा. सो दीज आर ऑल दी ऑप्शंस दैट वी हैव. नाउ वी हैव कॉलम, वी हैव लाइन ग्राफ्स, वी हैव पाई चार्ट्स, वी हैव बार ग्राफ्स, वी हैव स्कैटर डायग्राम्स. आज हमने स्कैटर डायग्राम्स किए थे, एंड देन वी हैव फ्यू अदर चार्ट्स इफ वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर. हाउएवर ये फ्यू अदर्स अभी हम नहीं करने वाले हैं, विल डिस्कस दीज फाइव थिंग्स: कॉलम, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड स्कैटर्स. लेट स्टार्ट विद कॉलम फर्स्ट. सो पहले हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड देन आप कोई भी कॉलम बना सकते हो. आई हैव जस्ट क्लिक्ड. एक बार मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ. गो टू इंसर्ट, कॉलम, जस्ट क्लिक ऑन 2D. इफ यू वॉन्ट यू कैन क्लिक ऑन 3D. इफ यू वॉन्ट आप सिलेंडर पे क्लिक कर सकते हो, आपका डिफरेंट टाइप्स का आ जाएगा. 3D मैं क्रिएट कर देती हूँ. सो दिस इज 3D ग्राफ. नाउ अगेन बेटा, ये यहाँ पे आप ऊपर देखो, यहाँ पे आ रहा है चार्ट लेआउट्स. तो लेआउट्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोगों के नंबर्स एग्जैक्टली पता नहीं चल रहे हैं कि क्या नंबर्स हैं हमारे. सो इसमें हम लोग, जब आप इसको और ओपन करोगे, ये डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स होते हैं हमारे पास. सो लेट अस फर्स्ट सी दिस फर्स्ट केस. तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, ये फर्स्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है. सेकंड पे क्लिक करते हैं, देखो क्या होता है कि हम लोगों का यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं ऊपर. सो इस तरीके से हम लोग कॉलम ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, एंड वी कैन इजीली सी कि हमारा कितना नंबर्स कैसे फॉर्म हो रहा है, कौन से मंथ में कितने कोविड केसेस थे. वी कैन इजीली सी दैट थिंग. नेक्स्ट थर्ड सेलेक्ट करते हैं, दिस इज आर थर्ड केस. तो यहाँ पे आप ना इसको एडिट भी कर सकते हो, चार्ट टाइटल को एडिट कर सकते हो. जस्ट नीड टू डबल क्लिक एंड यू नीड टू सेलेक्ट, एंड उसके बाद आप डिलीट करके वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट ओवर हेयर. सपोज आप कोई ऐसा, आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो जिसमें ये चार्ट नंबर 2 है, तो आप जो चाहे इसके अंदर लिख सकते हो. कोविड केसेस, कोविड-19 सपोज इफ यू वॉन्ट टू राइट इन दिल्ली. So whatever you want, you can edit this thing. If you want to edit, you can edit. If you want to edit, you can edit colors also. Like you can see from here. So ये हमारे different colors हैं. आप यहाँ से pink choose कर सकते हो. This will become pink. Others you can choose this green also. This will go like this. So whatever is, whatever as per the requirement of what report you are doing, what you are calculating, how you want to display, आप यहाँ पे सारी चीज़ें choose कर सकते हो. So is this column clear to all? Somebody who is doing side by side, क्या कोई साइड बाय साइड कर रहा है या सब मूवी देख रहे हैं? Yes, ma'am. Okay, you are yes, doing all right. Yes, ma'am. Okay, so you want me to wait? You want me to wait till the time you are trying? Yes, ma'am. ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ. हाँ, आराम से आप देख लीजिए, कहीं सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, एडिटिंग में प्रॉब्लम है, एक्सप्लोर कर लो अच्छे से. सिलेंडर का ड्रॉ करके देख लो, कोन का देख लो.
Okay, somebody who is joining in, so I will have to switch my screen. Okay, Tanay is here. Tanay, आप आजकल थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो बेटा, आपका फिर मिस हो जाता है. लेक्चर में भी ऐसे ही हुआ था. सो आई हैव एक्सप्लेन दिस चार्ट तनय. मैं दोबारा से, एक बार आपने ज्वाइन किया है तो फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस एंड इफ वी नीड टू सेलेक्ट सॉरी मैम, द थोड़ा डाटा दैट इज नेटवर्क इशू था. नो प्रॉब्लम तनय. सो हेयर वी विल सेलेक्ट द डाटा एंड देन वी विल डू दिस कॉलम. मैं 3D कॉलम बता चुकी हूँ, इसलिए अभी सिलेंडर लेके बताती हूँ. सो दिस इज हाउ वी कैन चूज एंड द चार्ट एंड देन ये हमारा आपको जो ऊपर दिख रहा है टूल बार में, जहाँ पे अभी कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ से आप डिफरेंट चार्ट लेआउट्स ड्रॉ कर सकते हो. वी कैन ड्रॉ लाइक दिस ऑल्सो. सो दिस इज लाइक अ प्रॉपर हिस्टोग्राम इन द सिलेंड्रिक फॉर्म. अब आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो, एक्सेस टाइटल में कुछ नहीं लिखा है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मंथ लिख सकते हो. हमने, क्योंकि हमारा ये एक्स एक्सेस है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे मंथ भी लिख सकते हैं. वाई एक्सेस पे भी कुछ नहीं लिखा है, तो वाई एक्सेस में, क्योंकि हमने लिखा है ये कोविड केसेस इन नंबर्स है, सो दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ पर्सन. तो आप चार्ट टाइटल भी एडिट कर सकते हो और आप एक्सेस भी एडिट कर सकते हो. एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर्स इन द चार्ट्स. हमें ये बहुत सारे ऑप्शंस एक्सेल प्रोवाइड करता है. आप कस्टमाइज भी कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट. सो यू कैन सेलेक्ट वेरियस चार्ट्स ऑल्सो लाइक दिस. ओके, सो पीपल हु आर ड्रॉइंग एंड टेस्टिंग दिस ऑन एक्सेल, गाइज आर यू डन? यस यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Anybody wants me to wait? All right. So I am deleting this and let us see what do we have next. So एक बार पता है मजा आने लग जाता है ना, फिर आप खुद ही एक्सप्लोर करके आपको अच्छा लगेगा. ओके, सो लेट अस सी दिस लाइन ग्राफ नाउ. अगेन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट लाइन ग्राफ्स. लेट अस चूज दिस वन. सो यहाँ से हमें प्रॉपर ट्रेंड पता चल जाएगा. जैसे हम लोगों ने वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वो सब डिस्कस किया है ना, तो उसी तरीके से हम लाइन ग्राफ के थ्रू अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिटरमिन कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपका ये ले लिया है, मंथ ले लिया है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टेक हेयर क्लास इंटरवल्स, आपको नंबर भी ले सकते हो. सो डिपेंडिंग अपॉन, तो आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो नंबर्स आ जाएगा. तो इस तरीके से हम लोग लाइन ग्राफ भी ले सकते हैं. एक्सेल के अंदर ना एक प्राइमरी एक्सिस होती है और एक सेकेंडरी भी होती है. एक बार जब सारे डाटा, सारा ग्राफ्स हम आज के कंप्लीट कर लेंगे ना, तो मैं आपसे पूछूंगी आपको वो करना है या नहीं करना है, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है समझने के लिए. एनीवे, सो अगेन इसमें हमारे जैसे नंबर्स एग्जैक्टली नहीं पता चल रहे हैं. फिर हम दोबारा देखेंगे चार्ट लेआउट्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. सो लेट अस सी, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव. तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नंबर्स भी पता चल गए हैं. नेक्स्ट अप वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, दिस इज अनदर फॉर्म. तो आप इसको ना ऐसे यहाँ से एक्सटेंड साइड से पकड़ के हॉरिजॉन्टली भी इंक्रीज कर सकते हो, और ये ऊपर जो आपको यहाँ पे चार डॉट्स नजर आ रही है, नीचे भी हैं ये डॉट्स, इसको भी आप यही माउस का लेफ्ट एंड साइड को प्रेस करते हुए ऊपर ड्रैग कर सकते हो. सो दिस लाइक दिस यू कैन हैव अ बेटर क्लैरिटी एंड आपके केसेज जो नंबर्स है वो नीचे आ गए इंस्टेड ऑफ ग्राफ्स. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस एंड दिस इज अगेन अ सिंपल. नाउ अगेन इफ यू वॉन्ट यू कैन चेंज द कलर ऑफ दिस, यू कैन चेंज द थिकनेस ऑफ योर ग्राफ, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. वंस यू नो हाउ टू प्ले विद इट, आप कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हो. So this is how we make the line graphs, जो हम frequency के terms में भी बोल सकते हैं. So you can draw this, you can test this yourself in Excel. Let me know when you are done. We will move on to pie chart.
अगर किसी से डाटा सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो पूछ लो, क्योंकि डाटा सेलेक्ट करने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें कौन सा माउस का कौन सा बटन प्रेस करना है, कैसे ड्रैग करना है, तो नहीं हो रहा है तो वो भी पूछ लो आप, डोंट हेजिटेट। ओके गाइस, आर यू डन? प्लीज रिस्पॉन्ड, आई कैन नॉट सी योर मैसेजेस। डन मैम। या मैम। ऑल राइट। अच्छा, अब आप लोग जो अपने एक्सेल खोल के बैठे हो ना, यहाँ पे तो मेरा ये स्टॉप शेयरिंग वाला आ रहा है, नीचे देखो, बिल्कुल नीचे देखो एक्सेल में, आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा एवरेज 368.5। गाइस आर यू एबल टू सी, नीचे मेरा कर्सर है लेफ्ट हैंड साइड। यस मैम। ओके, सो यहाँ पे आपका एवरेज 368.5, यहाँ पे काउंट है हमारा 22, एंड देन वी हैव सम 3685। 22 क्योंकि हमने सेल्स उतने सेलेक्ट किए इसलिए वो 22 दिखा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। और यहाँ पे हमारा सम हमारी फ्रीक्वेंसी होगी 3685। सो ऑल्दो हम डाटा जब सेलेक्ट करते हैं तो नीचे भी ये चीज़ इमीडिएटली आ जाती है, इसका फॉर्मूला भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। सो नाउ वी आर डन विद दिस लाइन ग्राफ। अब मैं ना एक बार यहाँ पे नाम चेंज करती हूँ, आई जस्ट टेक सपोज ये है कोविड केसेस इन वर्ल्ड इन द मंथ ऑफ से अक्टूबर, ठीक है, और एंड देन आई एम टेकिंग हियर से यूएस, नेक्स्ट आई एम टेकिंग यूके, देन आई एम टेकिंग इंडिया, देन से चाइना, अगेन नो ऑफेंस टू एनी कंट्री, आई एम रैंडमली टेकिंग द कंट्रीज, देन सपोज वी हैव ऑस्ट्रेलिया, and then we have what, Pakistan, and then we have say Turkey, and then we have say Russia, and then what do you want me to take, let's take Vietnam, and guys few other countries quickly, what, Bhutan, okay. So ये अब हम लोगों का COVID cases in October, अब हमें ये देखना है कि percentage wise maximum cases कहाँ पे हैं, so उस case में हम लोग pie chart use कर सकते हैं, so I'll again select this data and I will go over here on the pie chart, आप कोई भी pie chart इसमें से select कर सकते हो, मैं step by step आपको सारे दिखा दूंगी, पहले हम सबसे पहले वाला देखते हैं। सो ये हमारे हैं केसेस इन नंबर्स, अगेन आई विल एडिट दिस, सो दिस इज केसेस इन अक्टूबर, ठीक है, वर्ल्ड का ले रहे हैं आप, चाहो तो वर्ल्ड लिख सकते हो। अब इसमें भी हमें परसेंटेज वाइज तो नहीं पता चल रहा, तो आप फिर यहाँ पे चार्ट लेआउट्स में देखो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम ले सकते हैं, लेट अस सेलेक्ट द फर्स्ट वन। तो जैसे ही हमने ये फर्स्ट सेलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ सो दैट आपको क्लियरली ये विजिबल हो जाए, जैसे ही हमने ये फर्स्ट सेलेक्ट किया देखो हमारे पास केसेस आ गए, ओके इंडिया में सिर्फ 3% है, ऑल राइट, देन वी से ऑस्ट्रेलिया, ओके इट इज 22%। तो अगर अब WHO कोई वैक्सीन निकालता है तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कौन सी कंट्री को मिलना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट सपोज कि एक ऑनेस्टी से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्योंकि हमारा ऑस्ट्रेलिया में 22% है जो मैक्सिमम है सपोज वर्ल्ड में, तो ठीक है हमें एक बार इस डाटा को देख के पता चल गया कि हमारा यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम इंडिया के अंदर यहाँ पे स्टेट्स भी ले सकते हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, वी कैन टेक स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ओवर हियर, और उसे जो अभी आप बार बार सुन रहे हो ना हेल्थ मिनिस्टर को जो बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार है कि वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, किसको सबसे ज्यादा लगनी चाहिए, फर्स्ट फेज में किसको लगेगी, सेकेंड फेज में किसको लगेगी, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो 65 अबव है वो कितने लोग हैं ऐसे जो 65 अबव है जिनको जिनको कोविड हो रहा है, तो वो परसेंटेज ज्यादा होगी। इस तरीके से हम लोग पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। लेट अस सी द सेकंड टाइप ऑफ पाई चार्ट, दैट इज दिस वन। तो यहाँ पे अब हमारी कंट्रीज ऊपर आ गई हैं, परसेंटेज सिर्फ नीचे आ रहा है। लेट अस सी थर्ड वन, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं आ रहा है। सी द फोर्थ वन, सो दिस इज, ये हमारा परसेंटेज नहीं आया, ये हमारा एब्सोल्यूट नंबर की फॉर्म्स में आ गया। तो आप यहाँ पे चार्ट लेआउट्स में देखिए, यहाँ पे हमारा जहाँ परसेंटेज दिखा रहा है वहाँ परसेंटेज आएगा, जहाँ डैश दिखा रहा है वो हमारा एब्सोल्यूट नंबर्स की फॉर्म में आएगा। सेकेंड यू कैन सी यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, सिर्फ कंट्रीज का दिया हुआ है, एंड देन वी हैव दिस डाटा, सो अगेन ओवर हियर ये परसेंटेज एंड कंट्रीज अलग अलग। लास्ट वन वी हैव दिस, सो
अब अगर हमें डिफरेंट पाई चार्ट देखना है, सो विल गो ऑन इंसर्ट, विल गो ऑन पाई, एंड अब ये ना डिस्ट्रीब्यूशन वाला देखते हैं. सो ये देखो, ये हमारा सब अलग अलग होके आ गया. अगेन यू कैन गो ऑन दी लेआउट. आप इस चार्ट के ऊपर कहीं पे भी डबल क्लिक करेंगे तो आपका लेआउट ओपन हो जाएगा. विल सेलेक्ट द फर्स्ट वन. तो ये हमारे सेपरेट करके आ गए हैं इंस्टेड ऑफ अ कंबाइंड फॉर्म. अगेन फॉर्मेट कैसा है डिपेंड करता है हमारा पर्पस क्या होगा. सो पीपल हु आर ट्राइंग, प्लीज ट्राई दिस ऑन योर लैपटॉप्स, ऑन योर एक्सेल शीट्स. लेट मी नो व्हेन यू आर डन. इफ यू वॉन्ट यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं आपको ये चूज करके बताती हूँ. यस, सो इसमें आप क्या देखोगे ना, जैसे जैसे परसेंटेज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ये कलर डार्क होता जा रहा है. सो दिस ऐसा भी हम लोग कई बार करते हैं कि जैसे जैसे हमारी परसेंटेज इंक्रीज हो वैसे वैसे हमारा कलर डार्क होता जाए. वो हमारे लिए हेल्प करता है इन ऑर्डर टू नो थिंग्स. यहाँ पे शायद वो चीज़ आई नहीं है ठीक से, बट एक्सेल के अंदर ये प्रोविजन होता है ताकि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन परसेंटेजेस, क्योंकि एक्सेल बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि हमारा आई कैची कलर कौन सा है. तो एकदम से जब डार्क कलर आएगा ना, वो सबसे ज़्यादा आई कैच करेगा. सो दिस हेल्प्स अस टू फ्रेम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. All right, let me know when you are done practicing this. We'll move on to the bar graphs. मैं एक बारी डाटा दोबारा से लग करके बताना कैसे करना है. हाँ मैं बताती हूँ. देखो, आपको सबसे पहले अपना ये कर्सर लेके जाना है इस मंथ के ऊपर, ठीक है. फिर आपको माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करना है माउस सारे सेल्स के ऊपर. हुआ? ओके मैम, एक बार ही करता हूँ. हाँ एक बार करके देखो हो रहा है तो, नहीं तो दोबारा बताती हूँ. मंथ पे कर्सर लेके जाओ या जो भी आपका सेल है फर्स्ट सेल, फिर माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करना है. यस मैम, हो गया. थैंक यू मैम. ओके, अब एक बार पाई चार्ट देखो, पाई चार्ट बना के देखो एक बार. I'm sorry, बच्चे, I don't know who is speaking, but please confirm when your pie chart is made. Done, ma'am. All right, done, great. So now we will do bar graph again. Month पे लेके जाएंगे, पूरा डाटा अच्छे से सेलेक्ट करेंगे. We will go to this bar graph. पहले जो आपका कॉलम में था ना, सेम चीज हमारी बार में रिप्रेजेंट होती है. सो पहले हम लोग 2D बार देख लेते हैं. सो दिस इज आर 2D बार. नाउ वी विल गो टू दिस चार्ट लेआउट्स. अब तो हमको पता चल गया है कि हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं. वी कैन चूज दिस लेआउट, और हम अगर वहीं पे जाते हैं नंबर्स आना, देन वी कैन चूज दिस लेआउट ऑल्सो. सो वी कैन चूज डिफरेंट लेआउट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट. वी कैन ऑल्सो चूज डिफरेंट कलर्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट. वी कैन चेंज द टाइटल ऑफ द चार्ट. वट एवर वी वॉन्ट वी कैन डू विद दिस चार्ट. यू कैन ड्रॉ दिस एंड लेट मी नो वेन यू आर डन ड्रॉइंग. वी विल देन प्रैक्टिस स्कैटर ग्राफ. आज सुबह एक बच्चे ने डाउट पूछा था, मॉडरेट नेगेटिव, मॉडरेट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव का. तो ये स्कैटर डायग्राम से अभी आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. उसके लिए मैं दूसरा डाटा यूज़ करूँगी, क्योंकि स्कैटर में हम लोग बाई वेरिएट में हमने डिस्कस किया है, दो वेरिएबल के साथ डिस्कस किया है, तो वो दो वेरिएबल का ही डाटा मैं यूज़ करूँगी. एक्सक्यूज मी मैम, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? ट्रेंड लाइन बेटा थोड़ा तेज बोलो, क्या कह रहे हो? ट्रेंड लाइंस क्या चीज़ है? ये लाइंस पूछ रहे हो? ये लाइन ट्रेंड लाइंस लेआउट के अंदर था. ट्रेंड लाइन? यस मैम. हाँ 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 बेटा, ट्रेंड लाइन आपका, जैसे हम लोग हमारा ट्रेंड कैसे मूव हो रहा है. आई जस्ट, आपने कहाँ पे देखा ट्रेंड लाइन? लेआउट. आई जस्ट फाइंड आउट वेयर इट इज. लेआउट में. ओके. हाँ हाँ हाँ
अच्छा ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका चार टाइटल्स, ये तो आपके एडिट के लिए हो, दिस ट्रेंड लाइन यू आर आस्किंग, ये सब मुझे आपको बताना है, ये सब ना हमारा प्राइमरी एक्सेस उसमें है। मैं इसमें कर देती हूँ, इसमें भी आ जाएगा। सो दिस ट्रेंड इज बेसिकली जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में किया था ना, कि हम एक फ्री हैंड ड्रॉइंग करते हैं, हमारा डाटा कैसे मूव हो रहा है विदाउट गिविंग एनी लम्प्स, तो हमारा ट्रेंड कहाँ जा रहा है ये वो देखने के लिए है। पर इसके लिए ना मैं आपको मंथ दोबारा मेरे को यहाँ पे डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये कंट्रीज के अंदर तो डिफरेंट कंट्रीज है, यहाँ तो हम क्या ही ट्रेंड पता करेंगे, बट अगर आपको ट्रेंड लाइन पता करनी है मेरे को यहाँ पे मंथ डालना पड़ेगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द मंथ। सो दिस इज मार्च, दिस इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखो साथ साथ आपके चार्ट में भी चेंज हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, डोंट माइंड द स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज, दिसंबर, ऑलराइट। सो अब हमारा ट्रेंड क्या हो रहा है ये वो चीज बता रहे हैं। एक फ्री हैंड हमने ड्राइंग की, और जैसे जैसे हमारा हमारा मंथ, हम मार्च से दिसंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड हमें बता रहा है। ट्रेंड तो हम सबको पता ना, क्या ट्रेंड चल रहा है, इंक्रीजिंग जा रहा है, डिक्रीजिंग जा रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन हमें बता रही है कि जैसे हमारे मंथ्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दिस इज द ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन आप लोगों ने बना ही लिया है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो आप सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक किया एंड लेट अस सी, ये तो नहीं हुआ, बट दिस शुड चेंज, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसका कलर भी चेंज होता है, व्हाई इज इट नॉट चेंजिंग राइट नाउ, एनीवे दिस कलर आल्सो गेट्स चेंज्ड, बट व्हाई इट इज नॉट चेंजिंग। या सो इसके लिए आप यहाँ फॉर्मेट में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वील विल गो टू दिस फॉर्मेट एंड वी विल सेलेक्ट ओवर हेयर, यहाँ से हम इसका थिकनेस चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। इफ यू वॉन्ट आप इसका यहाँ से भी शेप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो, वी कैन चूज ब्लैक, वी कैन चूज ग्रीन, जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसके अलावा भी आपको आउटलाइन चेंज करनी है, सो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। सो दिस इज द ट्रेंड दैट इज हैपनिंग, इज इट क्लियर टू ऑल? सो अब हमें बाय वेरिएट करना है, सो उसके लिए हमने एक्स और वाई वेरिएबल तो मैंने सेम रखा है, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर एंड टोटल मंथली फूड एक्सपेंडिचर, बट वैल्यूज मैंने चेंज कर दी हैं, वो वैल्यूज मुझे देखनी पड़ती, तो मैंने अभी रैंडम वैल्यूज डाली हैं इसके अंदर। सो अब बाय वेरिएट है अगेन, वी विल फर्स्ट सेलेक्ट द डाटा, स्कैटर डायग्राम्स करेंगे अभी हम, एंड वी विल इंसर्ट फ्रॉम हेयर द स्कैटर डायग्राम। तो यहाँ से हमने ये स्कैटर इंसर्ट किया, सो ये हमारा आया जो हमने नॉर्मल प्लॉट किया, ये वो चीज आई है हमारी। अब इसके अंदर हमें, क्योंकि हमें एक हमें ये देखना आप इस चार्ट के अंदर ये थर्ड वाली चीज देखो, परफेक्ट पॉजिटिव, फिर हमें अगर ये चेंज करना है तो यहाँ पे ये देखो, हम मैंने आपको कहा था ना एक लीनियर रिलेशनशिप ही आप लोगों के कोर्स में है, मैंने उसी के बेसिस पे लिया है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आई है एक्सेल भी वही कह रहा है कि ये एक लीनियर लाइन है, तो आप इसके एक्स एक्सिस को चेंज कर सकते हो और आप इसके वाई एक्सिस को भी चेंज कर सकते हो। एक्स एक्सिस पे आपका आ जाएगा टोटल मंथली एक्सपेंडिचर और वाई एक्सिस पे आ जाएगा टोटल मंथली फूड एक्सपेंडिचर। अगेन यू कैन सी डिफरेंट थिंग्स, आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हो तो बेटा ये देखो, ये आपकी ना इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, आर स्क्वायर क्या होता है, वाई इज इक्वल टू 0.45x, ये एक्सेल ने ही खुद किया, ये इक्वेशन हमको करनी है और फिर मैं इस ग्राफ पे दोबारा आऊंगी। मैंने यहाँ से अब जो मेरे एक्सेल में है, आई डोंट नो मेरा 2007 है या 12 है, मैं देख के बताती हूँ। सो मेरे एक्सेल में तो ये थर्ड लास्ट ग्राफ आ रहा है, मैंने इसको जैसे ही सेलेक्ट किया अपने आप यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन आ गई। एंड आर स्क्वायर क्या होता है, अभी आप उसमें मत जाओ, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा कि आर स्क्वायर क्या होता है। सो दिस इज हाउ एक्सेल इज हेल्पफुल टू अस। क्या ये सब लोगों का हो गया है?
आप लोगों को ट्राई करना है, आप ट्राई कर लो, लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर डन. अगेन आप इसके चार्ट को एडिट कर सकते हो, क्योंकि ये चार्ट हमारा टोटल मंथली फूड एक्सपेंडिचर का नहीं है, ये चार्ट हमें कोरिलेशन या एसोसिएशन बता रहा है बिटवीन दी टू वेरिएबल्स. तो आप जो भी इसमें लिखना चाहो वो लिख सकते हो, बिटवीन टोटल मंथली एक्सपेंडिचर एंड टोटल मंथ, सेलेक्ट करके इसका साइज चेंज कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट. अगेन डोंट माइंड दी स्पेलिंग मिस्टेक्स प्लीज. ओके ओके गाइज, गिव मी अ कॉन्फर्मेशन, आर यू डन विद दिस? आई एम ओपनिंग द चैट मैसेजेस एज यू पीपल आर नॉट स्पीकिंग. ओके सो एकांश, मनीष, नयन, पार्थ, प्रणत, प्रिया, बच्चे आप फॉलो कर पा रहे हो? मेरे को सुनने में नहीं आ रहा है आपसे कुछ भी. दिस इज योर थर्ड और फोर्थ क्लास, आर यू विद अस? यस मैम. बहुत ही सैड यस मैम था, आर यू श्योर? आई एम ट्राइंग, हो रहा है. हो रहा है. अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम लगती है आपको, प्रिया या मनीष या एकांश या किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चीज में, प्लीज हेजिटेट मत करना, क्योंकि स्टैट्स में क्या होता है, आपका अगर एक स्टेप क्लियर नहीं है हम नेक्स्ट पे मूव नहीं कर सकते. वही कंसेप्ट्स हमारे आगे काम आते हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स को हम और बिल्ड करते हैं. तो आपको कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज डोंट हेजिटेट. ट्यूटोरियल क्लास होती ही इसलिए है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को हम डील कर पाए. जैसे लास्ट टाइम अनुज को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था, सो वो उसी लिए होता है. तो प्लीज प्रिया, अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? ऑल राइट. सो गाइज, कैन वी डू फॉर्मूला? क्या आप लोगों के अंदर एनर्जी है? अगेन आई एम नॉट प्रेशराइजिंग, इफ यू कैन क्विकली रिप्लाई ऑन चैट, कैन वी डू फॉर्मूला और यू वॉन्ट टू डू फॉर्मूलाज टूगेदर इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल? यस. ओके सो नयन इज रेडी, विकास इज रेडी, ग्रेट. आई एम सरप्राइज दैट यू पीपल आर एक्टिव. ओके नाइस, एक्टिव एज इन स्टिल एक्टिव बाय द एंड ऑफ द डे. ऑल राइट ग्रेट. सो आई विल अगेन मूव टू दिस एक्सेल एंड या so I'll just delete this thing. okay so we'll just do some basic formulas. so suppose हमें इसका sum करना है, मैं आपको दो तरीके बताती हूँ. एक तो हमारा यहाँ से जो formula ऊपर आपको टूल बार पे नजर आ रहा है, उस formula में भी जाके आपको बहुत ज्यादा formulas मिल जाएंगे. so मैं आपको formula से भी बताऊंगी और जो formula आप खुद type कर सकते हो excel में वो भी I'll tell you. so first let us see टूल बार से हम कैसे कर सकते हैं. suppose हमें इसका पूरा का sum निकालना है, again हम पहला अपना ये 100 पे कर्सर लेके जाएंगे, माउस का लेफ्ट हैंड साइड प्रेस करते हुए पूरा यहाँ पे पूरा यहाँ पे ड्रैग करेंगे इसको. और उसके बाद ये जो ऑटो सम है, इस ऑटो सम में देखो सिग्मा सिंबल हम लोगों ने किया था ना समेशन वाला, ये वही सेम समेशन वाला सिग्मा सिंबल है. सो वी विल क्लिक ऑन सम. तो ये जो आपका लास्ट कॉलम यहाँ पे एड हुआ, एज यू कैन सी दिस इज योर सम. जब हम इस सम के ऊपर, अब क्या सब लोगों का ये सम आ गया है गाइस? इफ यू कैन क्विकली जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक, सबका ये सम आ गया यहाँ पे? यस मैम. जो भी वैल्यूज आपने ली है, व्हाटएवर वैल्यूज यू हैव टेकन. ओके, अब आप यहाँ पे ऊपर देखो, ये जो है ना यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है, ये इसका ट्रू फॉर्मूला है. मतलब कि अगर हम लोगों को एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूलेज नहीं मिलते हैं, हम इसको डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला हम लिखेंगे ना कभी भी एक्सेल के अंदर, वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होएगा. सो यहाँ पे हमने लिखा है इक्वल टू सम फर्स्ट नंबर, इस कॉलम को बोला जाएगा B4, क्योंकि ये कॉलम हमारा B है और ये रो हमारी फोर्थ है, तो ये B4. तो हमने समेशन किया है B4 वाले कॉलम से लेके B13 वाले कॉलम तक. दिस इज द फॉर्मूला. ओप्स. ओके सो ये, सो दिस इज सम एंड दिस इज योर फॉर्मूला. सो ये मैंने हाथ से भी करके आपको दिखा दिया. नेक्स्ट
सपोज हमें इसका मीन निकालना है, मीन मतलब एवरेज निकालना है. अगेन वी विल गो एंड सेलेक्ट दिस एंटायर डाटा एंड वी विल गो टू दिस एवरेज. तो इसके नीचे ही हमारा एवरेज आ गया. सो यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देती हूँ, दिस इज आवर सम ऑफ द नंबर्स, दिस इज आवर एवरेज, और वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दैट दिस इज द मीन ऑफ द नंबर्स. सो अगेन व्हेन यू विल डबल क्लिक ओवर हेयर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज इक्वल टू एवरेज B4:B13. अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ. सपोज हमें अपना डाटा कॉपी पेस्ट करना है, तो अगर मैं इस पूरे को यहाँ से, और मेरे को ना सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है इसका सम और एवरेज, मुझे ये हमें कहीं कुछ कंपेयर करना है. मान लो ये डाटा हमारा अक्टूबर का आया, अक्टूबर नहीं होगा फिर ये तो दिल्ली हो जाएगा, दिस इज कोविड केसेस इन दिल्ली. मान लो हम लोगों को कंपेयर करना है कोविड केसेस इन दिल्ली एंड कोविड केसेस से इन यूपी, तो उसका हमें सम और एवरेज कंपेयर करना है. उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्सेल शीट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज आएगी दिस इज से सम ऑफ दिल्ली एंड दिस इज से एवरेज और मीन ऑफ दिल्ली. अब कंपैरिजन हमें कहीं और करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे. अगेन फर्स्ट आप सेलेक्ट करें एंड देन ड्रैग करें, इसको हमने यहां से कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैंने एक नई एक्सेल शीट ओपन की. आप कंट्रोल एन करके न्यू एक्सेल शीट ओपन कर सकते हो, कंट्रोल एन, और उसके बाद मैंने कंट्रोल वी किया. कंट्रोल वी होता है पेस्ट के लिए, ओके, वी फॉर विकास. तो ये वी किया. अब जैसे ही आपने यहाँ किया, एक बार प्लीज स्क्रीन पे देखना, प्रैक्टिस करने का टाइम दे दूंगी. जैसे ही आपने यहाँ पे वी किया ना, ये देखो स्लैश REF आ गया, मतलब इसका रेफरेंस गायब हो गया, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया था, हमने तो फॉर्मूला पुरानी वाली एक्सेल शीट पे लगाया था, डाटा भी पुरानी वाली एक्सेल शीट पे था. तो यहाँ पे जो आप फॉर्मूले वाला नंबर कॉपी करना चाहोगे ना, वो नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए ये जो चीज आ रही है ना पेस्ट ऑप्शंस में, यहाँ पे इसको ड्रैग डाउन पे आपको माउस क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका मेरे में फोर्थ ऑप्शन आ रहा है वैल्यूज ओनली. तो जो सिर्फ आपकी वैल्यूज हैं, नंबर हैं, विदाउट एनी रेफरेंस, आप वैल्यूज पे क्लिक करोगे तब आपके ये सिर्फ वैल्यूज आ जाएंगी. 368 समेशन ऑफ दिल्ली 3685, एवरेज और मीन ऑफ दिल्ली 368.5. फिर हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं यूपी के साथ या किसी और कंट्री के साथ. सो दिस इज हाउ हमें जहां पे फॉर्मूला लगाया है वो डायरेक्ट पेस्ट नहीं हो सकता, पर आप वैल्यूज ओनली करोगे तो आपका पूरा का पूरा सिर्फ नंबर आ जाएगा. क्या किसी ने बीच में कुछ बोला, कोई डाउट है? ओके. एक बार आप लोग ये प्लीज प्रैक्टिस करके देख लो, एक बार ये प्रैक्टिस करके देख लीजिए आप लोग, लेट मी नो इफ यू आर एबल टू डू. मैम शीट टू शीट में प्रिया, जस्ट चेक इफ यू आर एबल टू डू दिस. मैम शीट में लिंक नहीं हो पाते ना सेल्स. क्या क्या कह रहे हो? आपने शीट चेंज करी तो सेल्स लिंक नहीं हो सकते? शीट में लिंक नहीं हो पाते? नहीं, ऑफ कोर्स सारी चीजें हो सकती है, पर मैं आपको एक सिंपल चीज बता रही हूँ. सेल्स टू सेल्स लिंक नहीं होंगे आपकी. अगर सेपरेट एक्सेल शीट है तो वहां का वहां पे डाटा किया हुआ आप किसी और एक्सेल शीट पे कैसे फॉर्मूला लगाओगे? वो तो आप सिर्फ नंबर्स ही करोगे ना. ओके मैम. हमारा सेल्स में जो लिंक होता है, जो फॉर्मूले लगते हैं, वो एक ही एक्सेल शीट के अंदर लग सकते हैं. इनफैक्ट आप ये जो मैंने एक्सेल फाइल ओपन की है ना, आप अगर शीट टू पे भी जाके, नीचे आपको देखो यहाँ पे शीट वन आ रहा है, शीट टू, शीट थ्री, आप यहाँ पे भी जाके इसको वो नहीं कर सकते, पेस्ट नहीं कर सकते, वो लिंक नहीं हो पाएगा. वो आपका उसी वाली शीट से उठाता है. That is why we have different softwares. We have then SPSS, Python, Big Data Analytics. ये सारे softwares फिर जो भी हमारे Excel में चीजें नहीं हो पाती हैं या थोड़ा complex चीजें हो जाती हैं, वो हम दूसरे softwares में करते हैं. Okay ma'am. Guys, are you able to do this value portion? Yes ma'am. Priya, Nayan, Ekansh, Manish. Yes, ma'am. Yes, okay, हो गया, great. चलो फिर हम आगे चलते हैं. या सो दिस इज डन. लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट मीडियन. सो मीडियन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है. अगेन वी विल सेलेक्ट दीज एंड वी विल फाइंड आउट मीडियन ओवर हेयर.
ओके सो यू कैन ऑल्सो काउंट दीज नंबर्स, यू कैन फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम. पहले मैं आपको मीडियन बता देती हूँ. सो हम फॉर्मूले से बता रही हूँ, हमें निकालना है मीडियन. सो वी विल पुट अगेन, कोई भी हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू एम ई डी. जैसे ही आप ये देखो नीचे आ गया, आई एम टेलिंग यू डिफरेंट मेथड्स फ्रॉम वेयर इन यू कैन यूज एक्सेल. तो ये एम ई डी आपने एक्सेल ने सजेस्ट कर दिया कि क्या आप मीडियन निकालना चाहते हो. सो वी विल सेलेक्ट दिस, डबल क्लिक करेंगे, मीडियन सेलेक्ट हो गया. एंड देन वी विल चूज द नंबर्स, हमें मीडियन निकालना है इन नंबर्स का, एंड वी विल प्रेस एंटर. सो हमारा मीडियन आया 375. दिस इज आर मीडियन ऑफ दिल्ली कोविड केसेस, दिस इज 375. दिस इज द मीडियन. फॉर्मूला में आप देखो मीडियन हमने निकाला है सेल B4 का, सेल B13 से. यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ. फिर हम एक बार रेंज निकालेंगे इस डाटा की. ओके, आई होप आपका हो गया होगा. सो रेंज निकालने के लिए हमें मैक्सिमम चाहिए. मैक्सिमम के लिए हमारे पास ऊपर भी फॉर्मूला है. यहाँ पे देखो ऑटो सम में जब आप जाओगे, यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्मूला आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा. हम चाहे तो खुद भी टाइप कर सकते हैं. सो वी विल राइट मैक्स. मैक्स हमें किसका चाहिए? मैक्स हमें यही पूरे नंबर्स हमें दोबारा लिखने होंगे. सो यहाँ पे जो मैक्स है वो 800 है. फिर हम इसका मिनिमम निकालेंगे. सो मिनिमम अगेन वी विल सेलेक्ट. किसका मिनिमम? हमें इन नंबर्स का हमें मिनिमम चाहिए. सो ओके, मैंने फॉर्मूला ही नहीं लिखा. सो दिस वुड बी एम आई एन ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज. सो ये हमारा मैक्सिमम और मिनिमम है. अब हमें रेंज निकालना है. सो रेंज, वी नो रेंज इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम. सो व्हाट वी कैन डू इज इक्वल टू दिस, फर्स्ट विल पुट ब्रैकेट माइनस दिस. Let us see if we are able to. So this is 710. This is our range. So this is range of COVID cases. हमारे इतने में ये लाए करता है. So इस तरीके से अब देखो हमारे पास एक raw data था, उसमें से हमने कितनी सारी चीजें derive कर ली. फिर हम इसको compare भी कर सकते हैं किसी और data के साथ, किसी और Excel sheet में. So इस तरीके से हमारे Excel के अंदर formula use होते हैं. So you can try these formula as of now. You can try this. क्या मैं आप लोगों को प्राइमरी वाई एक्सिस और सेकेंडरी वाई एक्सिस भी कराऊं? Will you be able to understand? Just quickly reply on.